हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स इन्फो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं DTC कोड के बारे में, जो कि इससे पहले के वीडियो में आपको मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया था कि DTC कोड आखिर क्या होते हैं और हमें उसको कैसे चेक करना होता है। तो DTC कोड हमारे गाड़ियों में जैसे कुछ फॉल्ट होने के कारण आता है तो उसे हम डायग्नोस करते हैं। तो आज हम यहाँ पर ये 3 DTC हैं जो इसके बारे में हम बात करेंगे, P0010, P2088 और P2089। तो इस DTC के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहली बात तो जब हम DTC चेक करते हैं तो DTC चेक करते समय हमारे कुछ एरिया होता है, ट्रबल एरिया बोलते हैं, उस एरिया को हम चेक करेंगे कहाँ पे किस एरिया में उस DTC के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहला DTC ये है, दूसरा DTC ये है और तीसरा DTC ये है। तो आप यहाँ पे उस DTC के बारे में पढ़ सकते हैं, यहाँ पे ये पोर्शन और ये पोर्शन। तो पहला पोर्शन जो है P0010 ए कैम साफ्ट पोजिशन एक्चुएटर सर्किट ओपन। तो इसमें जो है OCV जो होता है हमारा ऑयल कंट्रोल वाल्व ड्राइव सर्किट इज़ ओपन। तो OCV वाल्व का जो सर्किट है, जो हमारी वायरिंग है, वो अगर कपलर ओपन होगा या फिर कपलर खुला होगा तो उस कंडीशन में ये हमें कोड मिलेगा, पहला वाला। उसके बाद दूसरा जो हमारा DTC है वो है P2088 कैम साफ्ट पोजिशन एक्चुएटर कंट्रोलर सर्किट लो। तो इसमें क्या रहा है, OCV ड्राइव सर्किट इज शॉर्टेड टू ग्राउंड। तो ये ग्राउंड के साथ अगर शॉर्ट होगा तो उस कंडीशन में ये हमें कोड मिलेगा। अब तीसरा जो हमारा है P2089 कैम साफ पोजिशन एक्चुएटर कंट्रोल सर्किट हाई। तो ये जो है OCV वाल ड्राइव सर्किट जो है शॉर्ट होगा हमारा पावर सप्लाई के थ्रू, और किसी पावर सप्लाई से हमारा ये शॉर्ट होगा तो उस कंडीशन में ये हमें DTC मिलेगा। तो जो हमारा एरिया होता है ट्रबल एरिया, ये हमें बताता है। तो इन तीनों कोडों के लिए हमारा जो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हो सकती है वो ये दो पार्ट है। पहला क्या है, OCV जो हमारा होता है ऑयल कंट्रोल वाल्व होता है उसमें दिक्कत हो सकती है, या फिर हमारे इसके सर्किट में दिक्कत हो सकती है, या फिर उसके ECM में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेसिकली तीन जगह दिक्कत हो गई, OCV वाल्व हो गया, हमारा सर्किट हो गया, और तीसरा हो गया हमारा ECM। ये तीन जगह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब इसके हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो अब जैसे हमें पता चल गया ये तीन जगह प्रॉब्लम हो सकती है, तो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो आपको मिलेगी वायरिंग से, वायरिंग जहाँ से आपकी डैमेज हो सकती है, राइट बाइट हो सकता है, या फिर वो वाइब्रेशन के कारण टूट जाती है। तो वैसे बेसिकली जल्दी ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर होता है तो ज़्यादातर वायरिंग से ही इशू निकलता है, और तो हमें बेसिकली ये तीनों चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि अगर ये कोड आएगा तो हमें क्या क्या चीज़ देखना है। अगर वायरिंग हमें ओके मिल रही है तो उसके बाद हमें OCV वाल्व देखना है। OCV वाल्व अगर दिक्कत कर रहा है, नहीं दिक्कत करेगा, OCV वाल्व सही होगा, तो फिर उस कंडीशन उसके बाद हमें ECM रिप्लेस करके चेक करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा सर्किट डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है दो नंबर जो हमारा है वो ECM है हमारा, ये जो तीन नंबर है, ये जो हमारा तीन नंबर है ये हमारा मेन रिले में आ रहा है वायरिंग है जो, और एक नंबर जो है ये वाला पोर्शन जो हमारा है वो हमारा OCV वाल्व है, और जो हमारा ECM है ये कुछ इस तरह से दिखता है, और कुछ उस तरह के उसकी वायरिंग का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वायरिंग दिखाया गया है ये C042
है और ये वायर बी वन दिखाया गया है, बी वन आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बी वन, और ये वाला हमारा है ए वन। तो बी वन का कलर क्या बताया है, ग्रीन बताया गया है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं ये हमारा ये जो ए वन है, ये ए वन आप देख सकते हैं ये ओ सी बी पावर सप्लाई सर्किट है, और जो ये बी वन है ये ड्राइव सर्किट है, ओ सी बी का ड्राइव सर्किट है। तो यहाँ से ई सी एम से हमारे ओ सी बी वाल तक कुछ कमांड आएगी, तो वो हमें देखना होगा। तो हमें अगर वायरिंग चेक करनी है तो आप देखेंगे C42 में, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन है C01, तो यहाँ पे क्या लिखा है C0142। अब आपको क्या देखना है C01, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे 42 कौन सा पोर्शन है ये आप देख सकते हैं, ये वाला है आपका 42, ठीक है। तो C0142 हो गया, ये C01 हो गया और ये 42 हो गया। तो ये वाले पिन में 42 वाले पिन जो हमारी है, इसमें हमें एक प्रोब डालना होगा जो हमारे मल्टीमीटर से होगा, वहाँ पे एक प्रोब डालेंगे और दूसरी प्रोब यहाँ पे जो हमारा इस वाला पोर्शन पे होगा ग्रीन, वहाँ पे हम चेक करेंगे। चेक बेसिकली क्या किया जाता है, रेजिस्टेंस, हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं जो भी फोर व्हीलर में होता है, हमें रेजिस्टेंस चेक करना रहता है और उसकी वैल्यू होनी चाहिए 1 ओम से कम, 1 ओम से कम होनी चाहिए। तो इस तरह से हम कुछ इसकी वायरिंग चेक कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको वायरिंग के बारे में बता दिया है, अब उसके बाद क्या होता है, ये कुछ आगे का प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ प्रोसेस है, यहाँ पे एक्शन है, उस एक्शन को लेने के बाद अगर ये प्रॉब्लम मिलती है, यस मिलती है, तो हमें इस स्टेप पर जाना है, अगर नो मिलता है तो यहाँ पर जो स्टेप लिखा होगा वहाँ पर हमें जाना होगा। तो अब हम पहला पढ़ते हैं एक्शन में क्या लिखा है, ओ सी बी पावर सप्लाई सर्किट चेक। तो पहला पोर्शन, पहला वाला पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, वो लिखा है विद इग्निशन ऑफ डिस्कनेक्ट कनेक्टर ऑफ फ्रॉम ओ सी बी। तो ओ सी बी का हमें जो कनेक्टर होगा वो डिस्कनेक्ट करना होगा। तो आपको मैं आगे की नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कि ओ सी बी वाल्व किसे कहते हैं और होता कैसा है, दिखता कैसा है, ठीक है। तो अब दूसरा पोर्शन जो है हमारे देखना है, चेक फॉर प्रॉपर टर्मिनल कनेक्शन टू ओ सी बी कनेक्टर। तो ओ सी बी कनेक्टर में हमें देखना है कि उसका जो कनेक्टर का कपलर है वो सही तरीके से कनेक्ट है कि नहीं, ठीक है। अब तीसरे में आपको देखना है कनेक्शन इज़ ओके सेट इग्निशन ऑन। अगर कनेक्शन आपको सही मिल रहा है, कोई उसमें लूजनेस नहीं है, तो आपको इग्निशन ऑन करना है और उसके बाद क्या करना है, चेक दैट वोल्टेज बिटवीन ए वन एंड ग्राउंड इज़ बैटरी वोल्टेज। तो ए वन में और ग्राउंड में, अगर हम ए वन को और ग्राउंड को हम देंगे तो उसमें हमें बैटरी वोल्टेज मिलना चाहिए, मतलब 12.6 वोल्ट हमें मिलना चाहिए उसमें वोल्टेज। अगर ऐसा मिल गया तो हमें इस स्टेप पे जाना है, अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो इसमें अगर ये 12 वोल्ट अगर हमें नहीं मिल रहा है तो उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखा है रिपेयर और रिप्लेस डिफेक्टिव वायर हार्नेस। अगर वायरिंग अगर हमें रिपेयर कर सकते हैं उस वायरिंग को रिपेयर कर देंगे, अदरवाइज़ हमें उस कंडीशन में अगर रिपेयर नहीं हो सकती है तो उसे हमें रिप्लेस करना होगा पूरी की पूरी वायरिंग को। अब दूसरा वाला आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ओ सी वी ड्राइव सर्किट चेक। अगर हमें ये 12 वोल्ट मिल गया तो अब हम इस स्टेप पर आएंगे। इस स्टेप पे आने पे क्या है और क्या करना है, हमें इग्निशन ऑफ करना है, उसके बाद C1 और E1 जो इससे पहले कि मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था कनेक्टर है हमारा ECM का, तो वो दोनों कनेक्टर को हमें निकाल लेना है। कनेक्शन चेक करना है कि कनेक्शन सही है कि नहीं है, अगर कनेक्शन सही आपको दिख रहा है तो फिर आपको कनेक्टर निकालना है, और उसके बाद आपको चेक करना है B1 जो आपको दिखाया है, मैंने उस वीडियो में दिखाया था आपको उस वाली स्लाइड में B1 में, और इस B1 से वो C142 वाले पिन तक की
ये जो है इसके बीच का रेजिस्टेंस हमें देखना है, जो कि रेजिस्टेंस होना चाहिए 1 ओम से कम। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 1 ओम से कम होना चाहिए, तो हमें 1 ओम से कम का रेजिस्टेंस देखना है। उसके बाद क्या करना है, हमें B1 सर्किट को हमें ग्राउंड के साथ देखना है। रेजिस्टेंस हमारा जो होना चाहिए ग्राउंड के साथ रेजिस्टेंस आना चाहिए इनफाइनाइट, मतलब B1 हमारा ग्राउंड से नहीं मिल रहा है, मतलब ग्राउंड से हमारा कनेक्शन नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हमें इनफाइनाइट हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। और उसके बाद हमें क्या देखना है, रेजिस्टेंस बिटवीन A1 सर्किट और B1 सर्किट। तो हमारे क्या है, जो हमारा A1 सर्किट था, आप देख रहे थे इधर वाला पोर्शन आपको दिखा भी दूँ, जो हमारा ये वाला सर्किट है, इसके बीच में और इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। अगर इन दोनों के बीच में अगर हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे, एक टर्मिनल मल्टीमीटर के इधर लगाएंगे और एक टर्मिनल इधर लगाएंगे, तो हमें रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मिलेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। तो यही बोला गया है इस स्लाइड में कि A1 और B1 का जो सर्किट है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, अब चौथे पॉइंट में क्या है, जो हमारा B1 है, B1 में अगर हम इग्निशन ऑन करने पे वोल्टेज चेक करेंगे B1 सर्किट पे, तो हमें वो वोल्टेज जो मिलेगा वो मिलना चाहिए 0 वोल्ट इग्निशन ऑन सर्किट पे। तो इग्निशन ऑन सर्किट में हमें क्या मिलेगा, B1 पे वो 0 वोल्टेज मिलेगा। अगर A1 पे अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे ग्राउंड के साथ, तो हमें वोल्टेज मिलेगा 12 वोल्ट का, लेकिन B1 के साथ हमें वोल्टेज जो मिलेगा वो 0 मिलना चाहिए। अगर 0 नहीं मिल रहा है तो भी इशू है। अब ये अगर हो गया, ये कंडीशन हमने चेक करा, हमें ओके मिल गया, तो हमें आना है चौथे वाले में। ठीक है, अगर नहीं होता है ओके, तो उसके बाद आप देख सकते हैं वायरिंग और वायर हार्नेस में डिफेक्ट होगा, तो उसमें हमें चेक करना होगा, रिप्लेस करना होगा, जो भी रिपेयरिंग होगी वो करेंगे। अब तीसरे वाले में देखेंगे OCV चेक। तो OCV चेक करने का प्रोसेस होता है, वो आगे चेक करना है। अगर OCV हमारी सही निकलती है तो हमें ये 5वें में जाना है, अदरवाइज़ उसी वाल को हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, उसी वाल में कुछ दिक्कत होगी तो उसे हम रिप्लेस ही करेंगे, उसे रिपेयरिंग नहीं होगी। अगर ये हमारा हो गया तो उसके बाद क्या है, अगर OCV वाल रिप्लेस करने से हमें प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है, तो उसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन बचेगा यहाँ पे लास्ट ऑप्शन हमारा बचता है ECM। तो हमें यहाँ पे ECM ही रिप्लेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। तो ये हमारी होगी स्लाइड। अब किसके बाद देखते हैं OCV वाल्व आखिर होता कैसा है। तो कुछ इस तरीके का OCV वाल्व हमारा होता है, इस तरीके से कुछ दिखता है OCV वाल्व। तो OCV वाल्व की जो टेस्टिंग होती है वो आप देख सकते हैं कैसे चेक करना है OCV वाल्व को। पहले रेजिस्टेंस चेक करना है OCV वाल्व का। तो अगर रेजिस्टेंस हमारा 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या होना चाहिए, 6.7 ओम से लेकर 7.7 ओम तक होना चाहिए OCV वाल्व का रेजिस्टेंस, पहला। अगर इसके अंदर में है, हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के अंदर में है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से बाहर है तो हमें रिप्लेस कर देना है OCV वाल्व सीधा। अब दूसरा क्या है, हमें वोल्टेज चेक अगर इसमें देना है OCV वाल्व को, OCV वाल्व को अगर हम वोल्टेज देंगे 12 वोल्ट के हम इसके पिनों में, तो ये जो है OCV वाल्व वो अंदर बाहर होगा। OCV वाल्व का काम ही होता है ये अंदर और बाहर होना, उसी के कारण से ये हमारा ऑयल कंट्रोल वाल्व की वजह से ये काम करता है। हमारे जो VVT होता है वाल्व की टाइमिंग को एडजस्ट करता है, मतलब एडवांस और रिटार्ड करता है। तो इसके अंदर होता है हमारा सोलेनॉइड होता है, तो उस पर ही ये वर्क करता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। तो आपको मैं दिखा दूँ, ये जो हमारा रेड वाला पोर्शन देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला हमारा पोर्शन है OCV वाल्व का, ये छोटा सा, ये हमारा OCV वाल्व है और ये पेट्रोल इंजन है। आप देख भी सकते हैं ये पेट्रोल इंजन है हमारा। अब इसको हम स्लाइड करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा फ्रंट में होता है, और यहाँ पे ये हमारा वाला पोर्शन जो है, ये वाला हमारा ECM है। तो इस कनेक्टर को निकालना है,
और ईसीएम का कनेक्टर जब निकालेंगे तो आप देख सकते हैं बैटरी टर्मिनल ज़रूर निकला होना चाहिए, बैटरी का टर्मिनल, अदरवाइज नहीं तो यहाँ पे देखिए बैटरी का टर्मिनल भी निकला हुआ है। बैटरी टर्मिनल निकालने के बाद ही हमें कोई भी कनेक्शन को निकालना होता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्टर अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हमें बैटरी टर्मिनल निकालना होता है। आपको नियर पास से दिखा देता हूँ, ये ओसीबी वाल्व है हमारा और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें दो वायर गया है, एक ग्रीन है और एक ब्लू है। तो आप देख सकते हैं पहला जो ग्रीन वाला है ये हमारा ईसीएम से आ रहा है और ये ब्लू वाला जो है वो हमारा आ रहा है मेन फ्यूज बॉक्स से। ब्लू वाला जो है ये मेन फ्यूज बॉक्स से है, मेन सप्लाई की से आ रहा है, और ग्रीन वाला हमारा ये आ गया ईसीएम से। तो हमें इसी तरह से ही चेक करना होगा और इन तीन ही पार्ट होते हैं, इन तीन ही जगह से इस कलर से ही सिर्फ ये डीटीसी कोड आते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा कोई डीटीसी कोड आता है मिलता है तो आपको सीधे ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है इस प्रोसेस को आप फॉलो करें और आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो।